पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला सुरक्षित रखा गया है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब रात 8 बजे फैसला सुनाया जाएगा। डिप्टी स्पीकर ने खारिज किया है अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और ऐसे में 3 दिन से लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और ऐसे में बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज रात 8 बजे सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आएगा। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के मसले को लेकर विपक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुरक्षित रखा है। आज रात 8 बजे फैसला सुनाया जाएगा और सभी की नजरें टिकी हुई है कि क्या वाकई इस फैसले में इमरान खान को राहत मिलेगी या फिर बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इससे पहले लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान से ये सीधे तौर पर पूछा गया कि जिस चिट्ठी का जिक्र लगातार आप कर रहे हैं उसके सबूत सामने रखिए, क्योंकि जल्दबाजी में फैसला नहीं सुनाया जा सकता है, हर एक कानूनी पहलू पर नजर रखनी होगी। और ऐसे में 3 दिन तक सुनवाई चली इस पूरे मामले को लेकर और अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। पाकिस्तान में सियासी संकट लगातार गहराता हुआ और इस वक्त अदील सरफराज मेरे सहयोगी मौजूद है। अदील, आज रात 8 बजे फैसला सुनाया जाएगा, ऐसे में किस तरीके के हालात? तो पाकिस्तान से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, आज रात 8 बजे फैसला सुनाया जाएगा। इंडिया ने रूस के 10 राजनयिकों को अपने देश से निकाल दिया था। इन घटनाओं के बीच एक कार से उठती लपटों ने रूस को बोलने का और ज्यादा मौका दे दिया है। हालांकि रूसी दूतावास पहले ही रोमानिया में खतरे की आशंका जता चुका था, अब उसने इस मामले में भी साजिश की बात कही। यानी यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का पुतिन के नए गेम प्लान के बारे में बेहद संशयखेज दावा है। यूक्रेन का साफ कहना है कि रूस ने यूक्रेन में बुचा पार्ट 2 करने की काली साजिश रची है और इसके लिए पुतिन की पलटन की जिस ब्रिगेड ने बुचा में हैवानियत की, सारे हदें पार की, उन्होंने उसी ब्रिगेड को इस बार फिर यूक्रेन में उतारने की चाल चली है। इसलिए यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का दावा है कि जैसे यूक्रेन के बुचा से रूस की सेना के निकलने के बाद वहां की सड़क पर निहत्ते लोगों के शवों का ढेर देखने को मिला था, वैसा ही मंजर जल्द ही सामने आ सकता है और इस बार रूस के कत्लेआम का शिकार बन सकता है यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा खार्किव शहर। वो खार्किव जो कि यूक्रेन के उत्तर पूर्व में है और रूस के बॉर्डर से करीब 65 किलोमीटर दूर है। रूस की सेना ने फरवरी में जंग की शुरुआत से ही खार्किव में कहर ढाया हुआ है और यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूस की नजर एक बार फिर खार्किव पर है और वो उस पर कब्जा जमाने की फिराक में है। मतलब यूक्रेन का सीधे सीधे कहना है कि रूस बाज आने वाला नहीं है। यूक्रेन का कहना है कि जिस तरह से बूचा की भयानक तस्वीरें दुनिया ने देखी, वैसी ही तस्वीरें खार्किव से आ सकती हैं। यूक्रेन को इस बात की आशंका है कि रूस खार्किव को बूचा पार्ट 2 बना सकता है। यूक्रेन का दावा है कि रूस